दोस्तों, उस लड़के ने हमेशा से परमवीर चक्र जीतने का सपना देखा था। इरादे पक्के थे, इसलिए वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में कामयाब रहा। बहुत से मिशन पूरे करने के बाद उस लड़के को मौका मिला जिसका इंतजार उसे बचपन से था, और ये मौका था कारगिल वॉर। 3 जुलाई 1999 को वो अपनी यूनिट के साथ खालबुरा चोटी पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ा। एनिमी फोर्स को उसकी मूवमेंट का पता चला और उधर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। लड़का भी पूरी प्लानिंग के साथ था, उसने इंतजार किया और अंधेरा होते ही अपनी यूनिट के साथ एनिमीज पर बरस पड़ा। उसने एनिमीज के 3 बंकरों को तबाह कर दिए। चौथे बंकर की तरफ बढ़ते ही उसे कई गोलियां लगी। वो पूरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक ही एम था, खालबुरा टॉप पर तिरंगा फहराना। इंडिया की जीत के साथ उसका ये सपना पूरा हुआ, लेकिन वो इस मोमेंट को देखने से पहले ही शहीद हो गया। दोस्तों, उस जाबाज सोल्जर का नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन आखिरकार अपना परमवीर चक्र जीतने का सपना पूरा कर ही गए। इस जज्बे पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताएं। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो।